हम लोग हाउस बोट में ठहरेंगे पूरी रात। संध्या पड़े ये सब हो रहा है अब यहाँ पे, पर डर का माहौल तो है थोड़ा सा, ये मैं जरूर बता देता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है हमारी ट्रिप का आखिरी दिन, आज हम जाएंगे एलपी और वहाँ पे बहुत बढ़िया सरप्राइज है, वो मैं आप लोगों को वहाँ पहुँच के दिखाऊंगा। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं कोवलम से चेकआउट, और चेकआउट हो या चेक इन हो हमारे गांव वाले एक ही काम करते हैं, वो है फोटोज। बस कुछ भी हो जाए, फोटो 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 फोटो, तो यहाँ भी वही चल रहा है देखो आप। सो बस अभी फोटोज लेंगे, सामान रखेंगे, बस में बैठेंगे एंड पहुँचेंगे एलपी। एलपी बहुत ही बढ़िया कोस्टल एरिया, एक तरीके से आप कह सकते हो पोर्ट एरिया है केरला का। बस वहाँ पे जाएंगे एंड वहाँ पे बहुत बढ़िया हमारा इंतज़ाम है, वो हम सेट करेंगे वहाँ जाके। सो हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से एंड ऐसे सामान लाया जाता है यहाँ पे, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे सामान लेकर आया जाता है क्योंकि रोड ही इतनी छोटी है। बट अंदर जाके होटल्स बहुत बड़े बड़े हैं एंड बीच के बहुत करीब हैं, तो मेन अपना तो पर्पस वही है ना भाई, पर्पस तो वहीं सॉल्व होगा। ओके सो हमारी ट्रिप टू एलपी शुरू हो चुकी है और जैसा कि मैंने कहा है बहुत बढ़िया सरप्राइज़ है वहाँ हम जब पहुँचेंगे तब। सो आई होप कि वो सही में उतना ही बेहतरीन हो जितना हम लेके चल रहे हैं अपने दिमाग में। और संगीत भाई जूते कैसे लग रहे हैं यार मेरे, बहुत ही अच्छे हैं, दिल्ली से लिए हैं। दिल्ली का ब्लॉग भी गाइस चैनल पे लाइव हो चुका है, ये सिर्फ इसलिए पूछा मैंने संगीत भैया से, संगीत भैया खुद भी हंसी आ गई है सुन के। ये सिर्फ मैंने इसलिए पूछा कि आप लोगों को बता सकूं, दिल्ली का ब्लॉग भी लाइव हो चुका है गाइस, तो वो भी जाके चैनल पर फटाफट देख लो, खूब सारा ढेर सारा प्यार दो उसे, लाइक्स दो और कमेंट्स करो अच्छे अच्छे। ओके सो हम लोग आ गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पे विच इज़ इन एलपी, और यार पानी बड़ा भरा हुआ है यहाँ जगह जगह। अब मैं आपको दिखाता हूँ हम यहाँ कहाँ रुकने वाले हैं, विच इज़ दी बिग सरप्राइज फॉर माई फैमिली टू, तो वो है ये, इट्स अ हाउस बोट। हम लोग हाउस बोट में ठहरेंगे पूरी रात, इट्स अ 3 BHK, तो उसमें किचन भी है, रूम्स भी हैं, देयर इज एवरीथिंग। तो यहाँ पे हम लोग फन करेंगे पूरा पूरी रात। सो ये लगेज हमारा अंदर चढ़ रहा है, आधे गांव वाले अंदर जा चुके हैं, जीजा जी और संकेत भैया रह गए हैं और मैं रह गया हूँ। फटाफट से लगेज पूरा, हमने थोड़ा सा कम लगेज रखा और कम ही सही है, बोट में जितने दिन आपको रहना है उतने दिन का ही कपड़े रखो, रेस्ट हमने पूरा अपना जो हमारी बस है ट्रैवलर उसमें हमने छोड़ दिया है। 12 बजे हमें आना था, हम 1:15 पे एंटर कर रहे हैं। क्यों लग जाएंगे, अंदर ही सेट हो जाएगा हर जगह, बिस्तर डाल दो गद्दे हैं, शादी में आएंगे आप जब देखो गद्दे डाल दो। तो यहाँ पे हमने जूते खोल दिए, ये डाइनिंग एरिया के लिए फैन लगा हुआ है, ऊपर भी फैंस हैं, लाइट्स हैं, ये पूर्वेदी पोज कर रही हैं, यहाँ पे म्यूजिक का भी है इंतजाम पूरा, सो फुल पार्टी वाला सीन है भाई, चिल करेंगे। अब हम ये लोग जा रहे हैं अंदर अपने रूम्स देखने। सो सबसे पहले आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये व्यू है अभी के लिए जहाँ पे कोस्ट पे गाड़ी खड़ी है, आई एम सो सॉरी बोट खड़ी है। और सबसे एपिक पता है क्या है, कहीं ना कहीं अभी ऐसा लग रहा है हमें कि शायद बारिश आ सकती है, माहौल वो बन रहा है। और ये जो हमारे हैं ये गांव वाले यहाँ पे ये खेल रहे हैं गेम वेम, डम शराज अंताक्षरी सब चल रही है यहाँ पे, चल रहा है सब, चल रहा है बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। अभी हम जहाँ पे हैं वो है राइस फील्ड्स, पैडी फील्ड्स भी इसको कहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग हैं। और ये जो है ये पानी के भी नीचे, सी लेवल के नीचे, आपको जो ऊपर दिख रहा है हरा हरा वो सिर्फ इसकी धान है इसका। और पूर्व यदि यहाँ पे ट्राई कर रही है फिल्म समझाने की, तीन वर्ड्स है फिल्म का, पहला शब्द शुभ है, तो जिसको भी समझ आ रहा हो वो प्लीज समझाए, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे कि उसको फिल्म कौन सी, ये फिल्म कौन सी है। ये देखो कितनी सारी बोट्स हैं यार उधर, ये मम्मी पीछे से मुझे डायरेक्शन दिए जा रहे हैं कि बेटा शिप दिखाओ, बेटा कबूतर दिखाओ, इनको ये फैमिली वेडिंग वीडियो ही लगे जा रहा है कि यहाँ तो सगाई शूट हो रही है। सो ये हम पूरा आइलैंड घूम रहे हैं बेसिकली, ये 4 से 5 घंटे की राइड होती है, शाम को 5 बजे हमें वापस कोस्ट पे छोड़ देंगे। कैसा लग रहा है संगीत हाउस बोट पे आके, बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे हिसाब से अभी तक का इस ट्रिप का बेस्ट है, ये बेस्ट एक्सपीरियंस है। ये हमारे गांव वाले पिक्चर बता रहे डमशरेज खेल रहे हैं, हाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सब साथ में है तो एक अलग सा ही माहौल है, माहौल बना हुआ है, इतनी सारी शिप्स है, पक्षी है ऊपर,
खूब सारे। और भाई और सबसे एपिक बारिश आती दिख रही है। सबसे एपिक क्या है कि पूरा क्लाउडी हो गया है। हाँ, और कभी भी बारिश आ सकती है। मोटर बोट जा रही, मोटर बोट। और ये है हमारे कैप्टन जैक स्पैरो। सर हेलो कर दीजिए। कैप्टन जैक स्पैरो ने हेलो कर दिया है। ये हमें पूरा घुमा रहे हैं केरला। सो हम लोग रुके थे कोस्ट में, मिड जर्नी में आपको एक जगह यहाँ पे रोका जाता है जहाँ से आप कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह ये सब ले सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कोस्ट के बीचों बीच है, आइलैंड्स हैं छोटे छोटे। ये जगह टाइम नहीं मिलता बार बार रुकने का, तो एक ही बार ये रुकते हैं। आपको जो भी कोल्ड ड्रिंक लेनी है, चिप्स लेने, व्हाटएवर यू वांट टू परचेज, वो सब कुछ आप यहाँ से फिर परचेज कर सकते हैं। बहुत तेज़ बारिश होने लग गई और हम अभी भी बीच समुद्र में ही हैं, और आप देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। थोड़ा सा हमारे भैया ने हमें बोल दिया है कि भैया रूम में चलो, भैया रूम में चलो, सारे फटाफट से यहाँ मत बैठो कोई भी। अब थोड़ा सा डर का माहौल तो है। सैलाब सा आ गया भैया पानी में, ट्विस्ट आ गया कहानी में। चलो यार यहाँ से भाई, अब तो डर लग रहा है मेरे को भी। ये देखो यार, अभी मतलब ये लोग थोड़े से जो सेलर्स हैं वो भी थोड़े टेंशन में हैं, तो मुझे नहीं पता है कि हम रुक रहे हैं, चल रहे हैं या क्या करने वाले हैं, पर डर का माहौल तो है थोड़ा सा। सो इस वक्त ये हालात हैं पानी के और बारिश के, मतलब दिखना बंद हो गई है काफ़ी सारी जगह। संकेत भी ज़रा बातें करने फ़ोन पे, तो यहाँ से अपन निकल लेते हैं। और ये देखो भाई, सो बारिश गई है रुक, और ऐसे हाल है भाई। अभी ये देख सकते हो आप, कुछ ऐसे हाल हुए हैं हमारे ड्यू टू द होल बारिश थिंग। बस अब आसमान भी साफ़ हो गया है। हम लोगों को बोला है कि अंदर जाओ, क्योंकि यहाँ तो पानी पानी हो रहा है, तो ये साफ़ सफाई करेंगे। ले भी आए हैं मॉप। अब बोट राइड नहीं होगी, अब ये बोट यहीं पे रुकी रहेगी। और ये थोड़ा सा हाई लो वाटर्स हैं, यहाँ पे पानी कम है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे रोक दिया है बोट को। सो अब यहाँ से हम लोग आगे नहीं जाएंगे, अब यहाँ से हम आगे जाएंगे पर कल सुबह जाएंगे। सो बोट हमारी हो गई है पार्क, और ये है पूरा व्यू जहाँ पे हम लोग अब रात गुजारेंगे। और सिर्फ हमारी नहीं, काफ़ी सारी बोट्स यहाँ पे पार्कड हैं, काफ़ी हाउस बोट्स हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया, लो वाटर्स में इन्होंने पार्क किया है जहाँ पे पानी कम हो, क्योंकि बारिश अगर रात को आ जाती है तो बचाने भगवान तो आने नहीं वाले भाई। और इतनी हिम्मत हम में है नहीं किसी में कि हम तालाब में उतर जाएँ तैरने के लिए। बहुत मोटी मोटी मछलियाँ यहाँ पे, बड़ी बड़ी, गेम हो जाए आदमी का भाई। बस एक शैक दे रखा हम लोगों को कि अगर बाई चांस रात को बारिश आती है, पानी ऊपर आ जाता है इससे, यह हमें बताया कि अगर इससे पानी ऊपर जाता है तो उस शैक में चले जाना। बस ये मेरा परिवार यहाँ पे नाचा कूदी कर रहा है। बाय गॉड, जिया जी की जो प्रताड़नाएं होती हैं, जो शोषण होता है जीजा जी का, कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि अरे यार बेचारा भोला आदमी का क्या क्या सहना पड़ रहा है। ये देखो, ये देखो कबीरा, एक बार इस व्यू को देख, और अब ये देख, संध्या पड़े, ये सब हो रहा है अब यहाँ पे। भाई सो लय तो ऐसे पकड़ते हैं हर नए गाने में, जैसे ओहो मैं ही माइकल लाल और मैं ही जैकी किशन। भाई कुदरत का निजाम देखो, और मेरे गांव वालों की हरकतें देखो। हमारे जो सामने बोट है उसमें चल रहा है जवान का चले आ, और हम क्या सुन रहे हैं, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का खुदा गवाह, गवाह खुदा। ऐसे एक्सप्रेशन चले आ पे नहीं देते संकेत भी, खुदा का ओहो कर रहे हैं, अंदर का नुसरत पता लिखान जाग गए इनका। भाई म्यूजिकल चेयर खेलने पे उतर आए हम लोग यार। जैसे जैसे सनसेट होता जा रहा है, रोशनी कम होती जा रही है, यहाँ की खूबसूरती और बढ़ती जा रही है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। आई वुड अगेन हाईली रिकमेंड यार, अगर आप केरला आ रहे हो, एलएपी बिल्कुल मिस मत करना भाई, हाउस बोट इज दी बेस्ट थिंग। शाम को हम लोगों ने माहौल बनाया कैरियोके का, पुराने गाने सुन के भाई बहुत मजा तो बहुत आता है यार, बहुत फन आता है पुराने गानों में। पूरी बोट राइड ली, बढ़िया यहाँ पे वेलकम ड्रिंक मिली, अच्छा शाम का स्नैक मिला, चाय मिली, शाम को डांस वांस हुआ, गाना बजाना हुआ, जो कि आपने ब्लॉग में देख लिया होगा। कैरियोके किया हम लोगों ने, एंड आसपास की जो बोट्स थी सभी पे गाना बजाना चल रहा था बढ़िया से। और अब जो है अराउंड बज गए हैं, बारह बज गए हैं यार। सो बस हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं, अब सोएंगे, क्योंकि कल सुबह से अब हमें अपनी ट्रेन पकड़नी है। वील गो बैक टू एर्नाकुलम जहाँ से हम उतरे थे, हम वहीं वापस जा रहे हैं, अब वहीं से ही वापस हम जयपुर की ट्रेन पकड़ेंगे। सो ये वो जगह जहाँ रात को हमारा व्हीकल, हमारी बोट पार्क हुई थी, एंड अब ये यहाँ से हमें ले जाएंगे टूवर्ड्स जहाँ से हमने बोर्डिंग करी थी।
और वहीं पे हम लोग चेकआउट करेंगे, क्योंकि हाउस बोट है तो वही होटल वाला सीन है इसका पूरा, तो वहीं से हम लोग चेकआउट करेंगे। ओके सो हम लोगों ने मूव करना शुरू कर दिया है, एंड एज आई सेड अर्लियर ही इज आवर कैप्टन जैक स्पैरो। गुड मॉर्निंग कैप्टन जैक स्पैरो। अभी कितनी देर लगेगी अपने को पहुंचने में वहां पे? 1 आवर लगेगा। सही है, एक घंटे का और हाउस बोट का आराम ले लो। ओके सो अब आ गया है विदा लेने का समय, चेकआउट का टाइम। हम लोग आ गए हैं किनारे पे, यहाँ पे और भी ढेर सारी बोट्स खड़ी हुई हैं, जेट स्कीज खड़ी हुई हैं, मोटर बोट्स हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं। चलो ठीक है, बाय। चैनल पे देखना, वीडियो आ जाएगा, सब्सक्राइब कर रखा ना आपने, थैंक यू सो मच। ये देख सकते हो यार कितनी सारी बोट्स हैं यहाँ पे। हाँ सो हम कोची का मार्केट घूमेंगे एंड वहाँ से शॉपिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि और काम ही क्या है हमें। भाई हम लोग यार रास्ते में थोड़ा रुके हैं इधर उधर, ये मम्मी लोग जो भी मौसी वगैरह सभी को कुछ ऑर्नामेंट्स लेने थे, बट ऑब्वियस केरल आए, सोना नहीं खरीदेंगे। ITR नहीं भरा इन लोगों ने, अगर कोई पकड़ना चाहे तो पकड़ लो। खैर सो एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी यार, ये यहाँ का मेन मार्केट कहलाता है, जैसा कि हमारे शहर में बापू बाज़ार है या जौहरी बाज़ार है, बट लुक एट दिस यार, दुकानें बंद हैं, कितना खाली खाली सा है। आज संडे है और यहाँ का संडे संडे लग रहा है यार, हमारे यहाँ तो संडे को उल्टा डबल हो जाती भीड़, पागल ही हो जाते हैं लोग कि सुबह निकलेंगे अब तो सीधे मंडे को ही आएंगे। यहाँ पर देखो यार शांति पीस, लोग अपने घरों में सो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म देखने जाते हैं यहाँ पर लोग संडे को, और कुछ नहीं, रेस्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड। बड़ी सही लगी यार मुझे ये चीज़, मैं तो फॉलो करना चाहूँगा ये, और मेरे आसपास वाले करने नहीं देंगे, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने इनका ब्रांड का नाम दिखा दिया, इनसे पैसे मांग लूँ क्या? हम चाहते हैं ऐसा देना है भाई कि लोगों के ब्रांड का नाम दिखाएं, हम पैसे मांगे फिर उनसे कि तुम्हारा ब्रांड हमारे चैनल फीचर करेगा। तुम्हारे चक्कर में ना तो व्यूज़ आ रहे हैं, ना तुम्हारे चक्करों में कॉमेंट्स कर रहे हो तुम लोग, कर लो यार कर लो, मेरी नहीं तो गौतम की सोच लो यार, गौतम कश्यप जी की बात कर लेते हैं, उनके बारे में सोचो, उनके नाम पे कमेंट्स दे दो यार। मम्मी शॉपिंग हो गई जो खरीदना था खरीद लिया, ज्वेलरी खरीद ली, जूडी तो मैं तो बस ये कंफर्म कर रहा था, घर बचा है अपना, अब घर है, चलो ठीक है गाइस, खुशी की बात है, हम लोग अब फिर वापस घर ही जाएंगे, हमें कहीं रुकना नहीं पड़ेगा किसी गेस्ट हाउस धर्मशाला वगैरह में, हमारा घर बचा हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था जिस हिसाब से अंदर शॉपिंग चल रही है उस हिसाब से घर आज होगा, कागजात बचेंगे हमारे, लेकिन अच्छी बात है, इट्स अ गुड न्यूज़ कि हमारे घर बचा हुआ है। ओके सो आफ्टर शॉपिंग हम लोगों को लग गई बहुत तेज़ भूख, तो क्योंकि हम कोची आ चुके थे तो हमने कहा क्यों ना कोची का ट्रेडिशनल फूड ट्राई किया जाए। ओके सो हम फटाफट से अंदर चलते हैं और कुछ खाते हैं, और बहुत तेज़ भूख लग रही है भाई बड़ मुझे, फटाफट अंदर चलते हैं, होटल लग रहा है सही, बस खाना भी अच्छा मिल जाए। हमें बताया गया है कि साउथ के यानी खास करके केरला के छोले भटूरे बहुत टेस्टी होते हैं, तो हम आज छोले भटूरे टेस्ट करेंगे यहाँ के। मैं सोच रहा था ऑथेंटिक फूड खाऊंगा, यहाँ तो पंजाबी खाना खिला रहे भाई ये लोग बुला के, चलो सही है ट्राई करके देखते हैं। ये देख लो भाई, ये है केरला का ऑथेंटिक छोला भटूरा, और भाई इसमें इन्होंने कड़ी पत्ता और कोकोनट डाला है भाई, मैं चख लेता हूँ और रिव्यू तो नहीं दे रहा मैं खा लेता हूँ भाई, मेरे को लग रही है तेज भूख। तुम भी अपने अपने घर में कहीं छोला भटूरा जो तुम्हारी इच्छा हो रही है खा लो यार, ठीक है जी, गुड नाइट। सो फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम वापस जा रहे हैं जयपुर की तरफ, अपना सामान लेके हम लोग प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं और ट्रेन बोर्ड करेंगे बहुत जल्दी। हमारे पास हम अच्छा खासा स्पेयर टाइम लेके चल रहे हैं अराउंड 1 आवर, क्योंकि हमारी ट्रेन 8 बजे की और हम ऑलरेडी अराउंड 6 o'clock हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पे, बस अब आधे घंटे में हमारी ट्रेन भी लगने वाली है, उसमें हम अपना सामान लोड करेंगे और शुरू करेंगे अपनी जर्नी बैक टू द होम। एंड हमें यहाँ पे रहना है फॉर अराउंड 2 आवर्स, 2 to 2.5 hours, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो 8:20 में शुरू होगी। द ट्रेन इज हियर माय फ्रेंड्स, माय फेलो कॉन्फिडेंट्स, ट्रेन आ गई है, हम लोग सामान चढ़ा रहे हैं। अब तुम लोग तो जानते ही हो, जो नहीं जानता उनको मैं अभी बता देता हूँ कि देखो दुनिया का सबसे कर्मठ आदमी कौन, तुम्हारा अपना कॉन्फिडेंट आलेख। दुनिया का सबसे मेहनती कौन, तुम्हारा अपना कॉन्फिडेंट आलेख। तो सामान चढ़ाएगा कौन, तुम्हारा अपना कॉन्फिडेंट आलेख। अरे ये क्या कर रहा है ये, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं मियाँ, दिल्ली नहीं जाना क्या, जल्दी पहुंचो, इलेक्शन चल रहे हैं, कैंपेन करो फटाफट,
यहाँ खड़े रहने से थोड़ी जीतेगा, जल्दी पहुँचो मैं यहाँ। मोदी जी को बाय बाय बोल के फटाफट से हम आगे बढ़ जाते हैं। और कोच ढूंढ रहे हो? आओ मैं आपका सुपुत्र आपकी मदद करूंगा। चलो नहीं ये नहीं है, यहाँ तो मैं टाइम पास करने के लिए रुका हूँ मोदी जी के साथ। चलो चल गई चल गई। जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। मैं नहीं सुनिया, अरे फिर से बोलो, जय माता दी। एक बार तो बोलो, जय माता दी। थैंक यू बोलो। संकेत जी हमें केले ऑफर कर रहे हैं, एक बार ये केलों की साइज देखो। संकेत जी ऐसे पकड़ो ना यार, केले स्पेशल केले हैं। ऐसे ऐसे केरल, केरल के गांव से आए हैं और ओके। एक परिचित थे हमारे तो ओके। बड़े प्यार थे हमारे, ये केले लाए हैं उन्होंने, कहा था ये केले खाइए आप, मजा आ जाएगा। दूसरे घरों के बच्चे फ्री टाइम में क्या करते हैं? लूडो खेलेंगे, सांप सीढ़ी खेलेंगे। हमारे घरों के बच्चे भाई पत्ते खेल रहे हैं। एनिमल के ट्रेलर में एक सीन है, अनिल कपूर बोलता है ज्योति क्रिमिनल पैदा किया है हमने। और को तो देखो इनकी भाई, ये पत्ते खेलते हैं फ्री टाइम में। और हमने किए हाथ में लेके दिखाओ ऐसे थोड़ी। हाँ हाथ में दिखाओ, ये देखो ये देखो। तो सुबह सुबह हम पहुंच गए कोटा स्टेशन। अब कोटा स्टेशन आए हैं तो कोटा की कचौरी तो खाएंगे ना भाई। तो संकेत जी और मैं निकले हैं कोटा की कचौरी ढूंढने कोटा के स्टेशन में। सो कोटा कचौरी तो हमको मिल गई है, आप देख सकते हैं बड़ी लाजवाब स्वादिष्ट लग रही है इसे। अब हमें एक ब्रेड और लेनी है क्योंकि जैम हम लोग जयपुर से लेकर गए थे और वो ख़त्म हुआ नहीं है। बच्चों की इज्जत है कि उनको भैया अब तो ब्रेड जैम ही खाना है। तो एक ब्रेड जैम का फटाफट से बंदोबस्त करते हैं और फिर वापस ट्रेन में बैठते हैं क्योंकि छूट गई तो भाई साहब गेम हो जाएगा। भैया ब्रेड है? ब्रेड ब्रेड यहाँ मिलेगी कहीं? यहाँ मिलेगी कहीं आसपास? भाई इसने तो साफ ही मना कर दिया ब्रेड नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी भाई साहब, अब तो जिद पे आ गई बात। ब्रेड पकौड़ा नहीं, ब्रेड ब्रेड ये दिख रहा है मेरे को, नीलम फूड सेंटर यहाँ हो सकती है। नीलम से मुझे उम्मीद है, नीलम कुछ करके दिखाएगी। भैया ब्रेड है? अरे यार ब्रेड ही नहीं मिल रही इधर यार। क्यों मुझे तुम ऐसे हर बार धोखा देती हो नीलम? कब तक मैं तुम्हारे धोखे झेलता रहूँगा? ये लास्ट है भैया, इस पर नहीं मिली ना तो अब नहीं रुक रहा मैं, संकेत भैया मेरी पिट्टी कर देंगे। तो ब्रेड के अभाव के चलते हम लोगों ने ले लिया है ब्रेड केक, जो फ्रूट केक आता है, और खुद के लिए हमने ले लिया है क्रीम रोल। अब फटाफट से ट्रेन में बैठ जाते हैं इससे पहले कि संकेत भैया हमें सिंघम की तरह पीछे से पकड़ के और उलट पलट कर दे। सो जाते वक्त हम लोग कर रहे थे पूर्वादी की बर्थडे, और अब ट्रेन से आते वक्त हम लोग कर रहे हैं कुकुमोजी और मौसाजी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट। आज उनकी एनिवर्सरी है तो हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं 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 बाबुल की दुआएं बजाओ पहले, वो बजाओ बाहरों फूल बरसाओ बजाओ। अरे मेरे को गुदगुदी मचा रहे हो यार, अभी 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 चल ही रहे दो, अभी चल ही रहे दो। फूंक मारो फूंक मारो फूंक मारो फूंक मारो, दोनों फूंक मारो, फूंक मारियो मौसा जी, मारो मारो। अरे मेरे क्यों कर रहे हो? अब बंद करो लाइट, मोमबत्ती बुझ गई है, मोमबत्ती बुझाती है, अब जला दो। देखो अब चेंज, वो जो बोला था वो, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू मौसी मौसा जी, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। सो अपनी इस 10 दिन की जर्नी को हम यहीं पे एंड करते हैं। हम पहुंच गए अपने शहर जयपुर में। केरला इज ब्यूटीफुल, ये शब्द ये लाइन मैंने कई बार सुनी थी, पर जब खुद एक्सपीरियंस किया तब समझ आया कि सच तो कहते हैं लोग। वहां का हर एक पेड़, हर एक पौधा, हर एक घर एक कहानी कहता है। मैं खुद को बहुत लकी मानता हूं कि मुझे मौका मिला कि मैं उस सबको अपनी आंखों से देख सकूं, उस माहौल को महसूस कर सकूं, मुन्नार में सनराइज देख सकूं, कन्याकुमारी में हिंदुस्तान का साउथ एंड देख सकूं, राम सेतु के उस भक्ति में माहौल को महसूस कर सकूं, कोवलम के उन समुद्र के किनारों पे जब पानी की लहरें आपके पैरों से टकराती हैं तो उस अनुभव का जो आनंद है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। एलपी में बोट हाउस पे अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के सनसेट होते देखना, शाम को किशोर कुमार के गाने गुनगुनाना, आई होप कि जैसे ये समय मेरे साथ ताउम्र रहने वाला है, जिंदगी भर मेरी आंखों में ये दृश्य रहेंगे। वैसे ही आपको भी ये बहुत पसंद आया हो,
आपने भी हमारे परिवार के साथ इस पूरी जर्नी को एंजॉय किया हो। हम इस जर्नी में हंसे, खेले, गुदगुदाए, गाने गाए, डांस किया, बर्थडे का केक काटा, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। एंड अगर केरला को एक शब्द में सम अप करने जाऊं तो इट्स एस्थेटिक। कहीं भी खड़े हो जाओ, आपकी फोटो हमेशा अच्छी ही आएगी। बस यहीं खत्म करना चाहूंगा और एक बार मम्मी से पूछवा देता हूँ कि उनको कैसा लगा। हाँ मम्मी, क्या कहती हो, कैसी रही अपनी केरला की जर्नी? Very nice.